हेलो गाइस, तो हमारा मूंगफली का खेत अब हो रहा है तैयार। तो अभी मेरे बड़े भैया ट्रैक्टर में जो होते हैं पाई से उसको चला रहा है। तो चलो पाई से कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा मूंगफली का खेत, मूंगफली को तो हमने निकाल लिया अच्छे से। अब उसका हम सिंग तेल बनाएंगे, तो मैं प्रोसेस आपको दिखाऊँगा, वहाँ जाऊँगा तब। अभी मेरे बड़े भैया फ़िलहाल मूँगफली का खेत की खिड़ाई कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि कैसे खिड़ाई हो रही है। यहाँ खिड़ाई की है तो ऐसे दिख रहा है। और ये रहे पाई से, तो उसके पांच दाँते होते हैं, इसलिए इसको नाम पाई से दिए हैं। तो यहाँ मेरे बड़े भैया खिड़ाई कर रहे हैं। ये मूँगफली का खेत की खिड़ाई तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा ही खिड़ाई करनी है हमें। तो यहाँ मेरे बड़े भैया खिड़ाई तो कर रहा है। तो आप वीडियो में देख ही सकते हो कि कैसे खिड़ाई हो रही है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो में बने रहना अंत तक के लिए। तो अभी थोड़ी देर में खिड़ाई हो जाएगी, तो वीडियो में बने रहना। तो बस खिड़ाई अब हो चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी है खिड़ाई करनी। तो अभी खिड़ाई चल रही है। तो अभी मैं आ चुका हूँ खिड़ाई करने के लिए। चलो मैं खिड़ाई कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको दिखा लेगा। तो गाइस, पाई से चलाने के बाद मेरे बड़े भैया ने अब कर दिया है रोटावेटर चलाना स्टार्ट। तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ कि रोटावेटर चलता है तो कैसे चलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने अच्छे से पाउडर कर दिया है माटी को, तो थोड़ी देर में अभी पूरा चल जाएगा। तो अभी आ रहा है सामने से, तो अब देखना कैसे कैसे चल रहा है रोटावेटर, कैसे चल रहा है। उसमें बहुत धूल उठती है। तो 40 मिनट में पूरा खेत रोटावेटर से हमने खिड़ाई कर दी है, और अब जा रहा है मेरे बड़े भैया।
तो आप देख सकते हो कि कैसे अच्छे से मूंगफली के खेत में एक ट्रैक्टर से खिड़ाई की है। आप देख सकते हो एक अच्छे से दिख भी रहा होगा आपको वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।